is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. फ्रेंड्स, Redmi Note 5 Pro वर्सेज Asus Zenfone Max Pro M1, ये दोनों ही बहुत पॉपुलर स्मार्टफोन है। 15,000 रुपये अगर किसी का बजट हो तो वो इन दोनों स्मार्टफोन में से किसी एक के बारे में वो ज़रूर सोचेगा। गाइज, आज हम करेंगे दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन, बट थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। मैंने दोनों डिवाइस में रिजरक्शन रिमिक्स रोम फ्लैश किया है। पिछले 2-3 दिनों से ये रोम मैं यूज़ कर रहा हूँ। गाइज, जो कस्टम रोम फ्लैश करते रहते हैं उन्हें आरा रोम के फीचर्स के बारे में पता है, तो मैं ज़्यादा रोम के फीचर्स के बारे में बात नहीं करूँगा। मैं आपको दिखाऊँगा दोनों का स्पीड एंड बेंचमार्क टेस्ट, बैटरी के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में एंड कैमरे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करूंगा। गाइज, मैं आपको बताऊंगा कि ये दोनों रोम कितना स्टेबल है पर्टिकुलर इन दोनों डिवाइस के लिए, क्या आपको ये रोम फ्लैश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूं आपका दोस्त इमरान एंड यू आर वॉचिंग आईफोन अनबॉक्स। दोनों स्मार्टफोन में लेटेस्ट आरआर रोम इंस्टॉल्ड है। अब हम पहले फटाफट स्पीड एंड रैम मैनेजमेंट टेस्ट स्टार्ट करेंगे, देन बेंचमार्क टेस्ट। गाइज, Asus Zenfone Max Pro यहाँ पे विनर है, चाहे वो स्पीड टेस्ट हो चाहे वो रैम मैनेजमेंट टेस्ट हो। ओके, तो रिजल्ट काफ़ी क्लोज है। स्पीड एंड रैम मैनेजमेंट में Zenfone Max Pro विनर था, बट यहाँ एंटीटू बेंचमार्क टेस्ट में थोड़ा सा Redmi Note 5 Pro आगे दिख रहा है, बट इट्स नॉट अ बिग डील। अब टेस्ट 2।
यहाँ भी रिजल्ट बहुत ही क्लोज है, सिंगल कोर में नोट 5 प्रो एंड मल्टी कोर में मैक्स प्रो M1 विनर है। आरआर रोम सुपर स्मूथ, क्विक एंड रिस्पॉन्सिव है, दोनों ही स्मार्टफोन के लिए परफेक्ट रोम है। थीम अप्लाई करते वक्त आई डोंट नो व्हाई मैक्स प्रो M1 में एरर मैसेज आ रहा है। बैकग्राउंड कलर जो है लाइट या डार्क हम अप्लाई कर पा रहे हैं, बट एक्सेंट कलर्स सेलेक्ट करते टाइम ये एरर मैसेज आ रहा है, हम एक्सेंट कलर चेंज नहीं कर पा रहे हैं। बट ये इश्यू मुझे नोट 5 प्रो में नहीं दिखा। नोट 5 प्रो के नेटिव डायलर में वीडियो कॉल्स का ऑप्शन है, बट मैक्स प्रो M1 में ये ऑप्शन नहीं है। फ्रेंड्स, आप स्पीड टेस्ट एंड बेंचमार्क रिजल्ट देखकर अगर आरआर रोम फ्लैश करना चाहते हो अपने ZenFone Max Pro M1 में, तो मैं आपको दो तीन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताना चाहूँगा। एक, वॉल्यूम जो है इसका कंपेयर टू स्टॉक रोम काफ़ी कम है, स्पेशली YouTube वीडियो में काफ़ी कम है। और दूसरा, ऑटो रोटेट का प्रॉब्लम है, कभी कभी ऑटो रोटेट काम नहीं करता। डिस्प्ले दोनों स्मार्टफोन का अमेजिंग है, इस रोम के साथ भी आपको कोई इशू नहीं होने वाला, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉल क्वालिटी भी परफेक्ट है। एंड गाइस, पबजी गेम जो है मैंने HD क्वालिटी में हाईएस्ट फ्रेम रेट के साथ दोनों में ट्राई किया, और अच्छी बात यह है कि आप Redmi Note 5 Pro में HD क्वालिटी एंड हाईएस्ट फ्रेम रेट के साथ आप खेल सकते हो, जो कि अभी रिसेंटली एक अपडेट आया है MIUI 9.5.7 का, आई थिंक मैं अगर भूल नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें शायद आपको HD का ऑप्शन नहीं मिलता, बट इस रोम में आपको ऑप्शन मिलेगा। फ्रेंड्स, कोई भी रोम जब आप फर्स्ट टाइम फ्लैश करते हो तो इनिशियली आपको अंदाज़ा नहीं हो पाता कि रोम में आपको बैटरी लाइफ कैसा मिलने वाला है, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा रोम को सेटल डाउन होने के लिए, उसके बाद ही आप अंदाज़ा लगा पाओगे। वैसे मुझे ये तीसरा दिन है, और लास्ट जो मैंने दोनों डिवाइस को एक साथ चार्ज दिया था, एक दिन 10 घंटे हो चुके, और Redmi Note 5 Pro में अब भी 6% जो बैटरी है बचा है, और स्क्रीन ऑन टाइम 7 घंटे 20 मिनट। एंड Max Pro M1 में इसमें भी एक दिन 10 घंटे हो चुके मुझे, और 17% अब भी बैटरी बचा है, और स्क्रीन ऑन टाइम 6 घंटे 50 मिनट। और सारा डिटेल मैंने कितना YouTube यूज़ किया, कितनी देर Facebook यूज़ किया, ये सारा डिटेल आप यहाँ पे देख पाओगे। तो मैं आपको ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूँ कि दोनों डिवाइस में ये आरआर रोम जो है आपको बहुत ही सॉलिड बैटरी लाइफ देने वाला है। आराम से आप जैसे भी अगर फ़ोन को यूज़ करते हो, यानी बहुत ज़्यादा गेम्स भी खेलते हो, तो आपको आराम से 6 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिल सकता है, और 1.5 दिनों तक आपको बिना चार्ज दिए भी आप फ़ोन को यूज़ कर सकते हो। गाइज, अब बात करेंगे कैमरे के बारे में। दोनों में जो डिफ़ॉल्ट आपको प्री इंस्टॉल्ड कैमरा ऐप मिलता है, मैंने उसे यूज़ नहीं किया, मैंने सोचा दोनों में GCam इंस्टॉल करके दोनों को ट्राई करके देखूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली Redmi Note 5 Pro में जो GCam मैंने इंस्टॉल किया वो क्रैश करने लगा। इनफैक्ट मैंने 2-3 मोड्स ट्राई किए, बट सारे का सारा जो है काम नहीं किया। और ZenFone Max Pro में मैंने GCam जो इंस्टॉल किया उससे 2-3 इमेजेस लिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर गाइज आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों डिवाइस में GCam इंस्टॉल करके दोनों का एक फुल रिव्यू, यानी इस पर्टिकुलर रोम के साथ GCam का फुल रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। I'm
गाइस आई फॉर अनबॉक्स चैनल बनाने का मेरा मकसद ये नहीं कि मैं पॉपुलर टॉपिक्स सेलेक्ट करूँ, बहुत सारे व्यूज़ मिले मुझे, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बने, बल्कि मैं ये चाहता हूँ जो मैं इन्जॉय करता हूँ एंड्रॉयड में, पिछले 7-8 सालों से मैं एंड्रॉयड यूज़ कर रहा हूँ, और जो भी मैंने सीखा है या जो मैं सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई गुरुजी नहीं हूँ, मैं ऐप जैसा ही हूँ, बस मैं सीखता हूँ आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं रिस्क लेता हूँ अपने डिवाइस में, अलग अलग चीज़ें ट्राई करता हूँ, जो जानता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको मज़ा आता है तो आप ज़रूर हमारे वीडियोज़ को देखिए, लाइक एंड शेयर करके चैनल को भरपूर सपोर्ट कीजिए। और गाइज़ अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो इसे लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट कीजिए, एंड देखते रहिए आई फॉर अनबॉक्स।